जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई रही। आपको बता दें कि भारत नर्सिंग कॉलेज का वॉइस प्रिंसिपल इसमें ट्रैप हुआ है। एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है भारत कॉलेज, अमोलक तवर को 4000 रुपए की घूस लेते दबोचा। रजिस्ट्रेशन नंबर देने की एवज में घूस की मांग की। एसीबी एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर यह कार्रवाई। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है भारत कॉलेज और इससे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल अमोलक तवर 4000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप हुआ है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दरअसल रजिस्ट्रेशन नंबर देने के एवज में घूस की मांग की थी। 4000 रुपए की घूस के साथ भारत नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को ट्रैप किया गया है। वेरिफिकेशन ये था कि जो परिवार थी उसने अपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स नर्सिंग का यहाँ भारत नर्सिंग इंस्टीट्यूट से किया है, तो उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जयपुर में। वैलिडिटी 2000 रुपए का होता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे रिश्वत के उसके मामले में वेरिफिकेशन करवाया गया। तो ये वेरिफिकेशन में जो वाइस प्रिंसिपल है यहाँ अमोलक राम, उनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि 3000 रुपए तो जमा है तेरे और 4000 रुपए और लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जाने के आने के सब खर्चे लगते हैं और हमें भी आगे रिश्वत देनी होती है। आज अमोलक जी को 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता दयाल सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, ये एसीबी की बड़ी कार्रवाई जो रही है, क्या कार्रवाई से जुड़ी फिलहाल पूरी जानकारी सामने आ रही है? वाइस प्रिंसिपल ट्रैप हुआ है कार्रवाई के दौरान, क्या अपडेट? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा कि जोधपुर के बनाड रोड पर एक निजी कॉलेज है जी। उसके उप प्रिंसिपल है, उनको आज 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये जो कार्रवाई हुई है एक प्राइवेट कॉलेज में हुई है। बताना चाहूंगा ये जो प्राइवेट कॉलेज है जो एसीबी की 7A की धारा है उसके तहत कार्रवाई हुई है। इसमें कोई भी रिश्वत या दलाली लेता है तो उस मामले में ये कार्रवाई हुई है, जिसमें उप प्रिंसिपल है उसको गिरफ्तार किया गया है जी। चलिए दयाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।